81 पिन योर लाइफ डाउन, अपनी जो लाइफ है उसमें उसको पूरी ताकत से हराओ। कार डीलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेनरी ब्राउन वंस टोल्ड मी अ स्टोरी अबाउट हिज सन अ हाई स्कूल रेसलर। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेनरी ब्राउन था, वो कार डीलर था, उसने अपने सन के बारे में जो कि वो स्कूल रेसलर था एक स्टोरी मुझे एक बार बोली थी। लाइक हिज बॉय हैड बीन गेटिंग ओनली फेयर रिजल्ट एज अ रेसलर डेट ईयर एंड वेन हेनरी टॉक टू हिम अबाउट इट ही लर्नड द रीज़न। जो उसका जो लड़का था ना वो एवरी टाइम रेसलिंग में सिर्फ एवरेज मार्क्स से ही पास होता था, एवरेज रिजल्ट आता था, ओनली फेयर रिजल्ट। जब हेनरी ने उसके बारे में अपने बच्चे को बोला कि भाई ऐसा क्यों है, तो उसको रीज़न पता चला कि क्या रीज़न है। हेनरी सन एंटर्ड ईच रेसलिंग मैच मोर देन थोरली प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनीथिंग हिज अपोनेंट ट्राइड। जो हेनरी सन था ना तो वो जब भी रेसलिंग के अंदर एंटर होता था तो वो सिर्फ काउंटर ही करता था, जो सामने वाला जो अटैक करता था तो उसको सिर्फ काउंटर ही करता था और डिफेंस ही करता था उसको, जो भी वो अपोनेंट ट्राई करता था उसको वो काउंटर करता था। बट नो मैटर हाउ गिफ्टेड हेनरी सन वॉज एट द काउंटरिंग मूव्स, काउंटरिंग वॉज स्टिल काउंटरिंग। सी आप जितना भी ज़्यादा डिफेंस करोगे और इसमें माहिर होगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफेंस आप सिर्फ डिफेंस ही कर रहे हो, ठीक है। डिफेंस का मतलब सिर्फ डिफेंस होता है, आप किसी को अटैक नहीं कर सकते हो, और वो सिर्फ डिफेंस ही करता था। सो द अदर रेसलर्स ऑलवेज डिटेक्टेड द टेम्पो, सो सामने वाले को ऐसा पता चल गया ओके ये डिफेंस ही करता है, तो उसको फिर टेंशन नहीं होता था। फाइनली हेनरी सजेस्टेड टू हिज सन दैट ही ट्राई एंटरिंग अ रेसलिंग मैच विद हिज ऑन अटैक प्लान। यानी उसके बाद जो हेनरी ब्राउन है ना उसने अपने बच्चे को बोला कि एक काम करो, आप काउंटर मत करो, आप अपने जब रेसलिंग में घुसो ना तब उससे पहले अपने एक्शन प्लान, अपने अटैक प्लान को प्लान करो कि आप कैसे अटैक करोगे, और आप सिर्फ अब अटैक करो, सिर्फ काउंटर मत करो। लाइक सीरीज ऑफ मूव्स दैट ही वुड इनिशिएट नो मैटर व्हाट हिज अपोनेंट ट्राइड। आप अपने ओपोनेंट के सीरीज ऑफ मूव आप अटैक करते जाओ विदाउट टेंशन मत लो कि अपोनेंट काउंटर कैसे करेगा। द बॉय अग्रीड एंड द रिजल्ट वर रिमार्केबल, ही बिगेन विनिंग मैच आफ्टर मैच एंड पिनिंग ओपोनेंट आफ्टर ओपोनेंट एंड द रिजल्ट वर रिमार्केबल। एंड वो फिर एक के बाद एक और एक के बाद एक सभी मैचों और अपोनेंट को जीतता गया। द यंग रेसलर्स गोल हैड ऑलवेज बीन टू विन, ही डिडंट हैव अ प्रॉब्लम सेटिंग गोल्स। एक्चुअली जो उसका लड़का था ना तो उसका गोल तो जीतना ही था, एंड वो गोल भी ऐसा कर रहा था कि ओके मैं ये मैच जीतूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वॉट हैड बीन एडेड वॉज अ प्लान ऑफ एक्शन, वो एक्शन प्लान नहीं कर रहा था कि कैसे मैं एक्शन लूँ, सिर्फ वही सोचता था कि मैं इस बार मुझे जीतना है, बट कैसे जीतना है वो सिर्फ काउंटर ही करता था। बट वॉट हैड टू बी एडेड वॉज अ प्लान ऑफ एक्शन। इन स्पोर्ट्स एज इन लाइफ गोल्स आर नॉट ऑलवेज इनफ, एज अ नाथिला ब्रांडन सेज गोल विदाउट द एक्शन प्लान इज अ डे ड्रीम, एक दिव्य सपना है। आप अगर सिर्फ गोल ही बनाओगे और उसके बारे में कोई एक्शन प्लान प्रिपेयर नहीं करोगे और कोई एक्शन नहीं लेगे तो वो सिर्फ दिव्य सपना ही है, आप सिर्फ सपने में ही घूमते हो। हेनरी ब्राउन डिडंट जस्ट गिव दैट एडवाइस टू हिज सन बिकॉज ही बॉट इन टू इट थियोरेटिकली। जो हेनरी ब्राउन है ना तो उसने अपने ये जो एडवाइस सिर्फ कोई पढ़ के नहीं दी थी कि उसने कहाँ पे भी पढ़ा हो और फिर उसने इसे उसके सन को एडवाइस दी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हिज ऑन ब्राउन एंड ब्राउन चेवरोट डीलर, एक चेवरोट करके गाड़ी आती है, उसकी जो डीलरशिप थी वो मेनी टाइम्स पे नंबर 1 थी उसकी कंट्री के अंदर, उसकी जो डीलरशिप चेवी डीलरशिप।
Why? Because he plans his company's own yearly performance. In the same way he coached his son, जो उसकी कंपनी का जो इधर ईयरली जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो आगे ही प्लान करता था कि मेरे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। लाइक जैसे अब उसने अपने बच्चे को सिखाया, एवरी ईयर ही हैज़ हिज जनरल मैनेजर सेंड मी द डिटेल वीडियो टेप दैट आउटलाइंस द लीडरशिप गेम प्लान फॉर द कमिंग ईयर। एवरी ईयर जो उसका जो जीएम था, जनरल मैनेजर, वो मुझे उसको वीडियो टेप सेंड करता था कि देखो नेक्स्ट ईयर का मेरा जो प्लान है वो ये वो है ये है। इट इंक्लूड्स ऑल द डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्टेड अर्निंग्स डाउन टू द पेनी। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसका जो एक प्रोजेक्टेड अर्निंग था वो पहले से डिसाइड करता था कि मेरा अर्निंग ऐसा इतना होना चाहिए। बाय बोल्डली चार्टिंग सच अ स्पेसिफिक कोर्स ब्राउन लेट्स द मार्केट रिस्पॉन्ड टू हिम। और उस पर वो जो उसने प्लान बनाया है उसमें वो पूरी ताकत से काम करता था एंड फिर मार्केट को अपने हिसाब से फिर क्या रिस्पॉन्ड करता है वो उस पर ऊपर छोड़ देता था कि क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है। वंस व्हेन आई आस्क हिम हाउ हिज लीडरशिप गोट थ्रू अ प्रीवियस ईयर्स नेशन वाइड ऑटोमेटिव सेल्स रिसेशन। एक बार मैंने पूछा कि जो लास्ट ईयर में जो रिसेशन था उसमें आपकी जो लीडरशिप है वो कैसे काम कर गई गेट थ्रू। सो उसने बोला कि वी डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट। तो उसने बोला कि मैंने जो रिसर्च था उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा ऐसा हमने डिसाइड किया था। बिफोर एनी एडवेंचर टेक टाइम टू प्लान डिजाइन योर ओन प्लान ऑफ एक्शन। बिफोर एनी एडवेंचर टेक टाइम टू प्लान डिजाइन योर प्लान ऑफ अटैक। कोई भी आप एडवेंचर से पहले पूरा समय लो और अपने प्लान बनाओ, अपने टास्क का प्लान बनाओ या अपने अटैक कैसे हम काम करेंगे इसका प्लान बनाओ। डोंट जस्ट काउंटर व्हाट सम अदर्स रेसलर इज डूइंग। जैसा ही लाइफ जाती है वैसे आप मत करो, अपने आप में पहले प्लान बनाओ और उस हिसाब अपने हिसाब से चलो, लाइफ के हिसाब से मत चलो। लेट लाइफ रिस्पॉन्ड टू यू एंड देन लेट लाइफ के ऊपर छोड़ दो कि क्या रिस्पॉन्ड करता है। इफ़ यू आर मेकिंग ऑल द फर्स्ट मूव्स यू विल बी सरप्राइज एट हाउ ऑफन यू कैन पिन योर लाइफ डाउन। एंड अब जब आप एक्शन प्लान बनाओगे और फिर उस पर ऊपर काम करोगे तो फिर आप सरप्राइज रह जाओगे कि भी हाउ अपने आपकी जो लाइफ है उसको कैसे पूरी ताकत से हराया है। थैंक यू वेरी मच।